अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खान ऑफिशियल ब्लॉग की जानिब से आज का हमारा लोकेशन है चेल कुकारी। हमारा जो लोकेशन था ना वो दूसरी जगह का था ना शहजाद, तो मौसम की वजह से मुश्ताक ने भी सोचा कि ये जगह अच्छा नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे ना कि हम कहाँ जाएंगे ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। हमने सोचा था ना कि हम जाएंगे कुकारी के साइड, तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पर एक स्टूपा भी है, हम आपको सिनेमेटिक शॉट भी दिखाएंगे। कितने साल पुराना स्टूपा है? मेरे ख्याल से मैंने अपने दोस्त से पूछा तकरीबन 2000 साल पुराना एक स्टूपा है। 2000 साल। ओ शहजादो, जी सर, क्या हाल है यार? बस यार गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यार, पर मेरे ख्याल से मौसम तो अच्छा है ना? मौसम अच्छा है, रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। हाँ अच्छा, और ये पौधे कैसे हैं? मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ गए यार। पौधे तो ग्रीन हाँ बिल्कुल ग्रीन ग्रीन तो है, लेकिन शिनवाले भी इसमें मौजूद है ना? हाँ शिनवाले तो बहुत है इसमें। हाँ ग्रीनिश है। और इस्माइल, अच्छा दोस्तों हमारे साथ हमारा दोस्त मौजूद है इस्माइल खान, और वो इस इलाके का रहने वाला है। ये रास्ता तो बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। गनी है। इस्माइल और सुनाओ। बस क्या सुनाऊंगा, सबसे पहले तो मैं सारे नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। बिल्कुल वेलेशी। तो बस ये हमारे भाई है, सारे दोस्त हैं। ये हमारे दोस्त है अदनान खान, शहजाद खान और मुश्ताक भाई। ये आए हैं यहाँ, हम आज आपको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये मुकाम है स्टूपा का, ये जो जुड़े के मुकाम पर वाक़ है, जो दंगराम के अपोजिट है और चील कुकार के साथ ये अटैच है। तो हम आपको ये पेश करेंगे, इसके सिनेमैटिक व्यूज़ आपको दिखाएंगे ये कैसा है। अच्छा इस्माइल भाई, आप मुझे बता सकते हैं कि ये स्टूपा कितना पुराना है? ये तकरीबन 200 BC में बनाया गया है, तकरीबन आज से 2000 या 2000 से ज़्यादा साल बनता है। मतलब हम पैदा भी नहीं थे। हाँ बिल्कुल। जो दिख रहा है ना, हम अब वही जाएंगे। रास्ता बहुत है मगर टेंशन नहीं है। अच्छा तो चले हमारे साथ। क्या हुआ मुश्ताक? यार काटे हैं यहाँ पे, मुझे तो नजर नहीं आ रही। मैं क्या नजर आएंगे, शलवार के अंदर घुस गए। अच्छा तो इसका मतलब नहीं डल लिया आपको डसा? अच्छा यार माहौल बहुत क्या अच्छा है। कितना अच्छा है? मैं तो सोच रहा था कि मैंने कि यार ये कौन सी जगह होगी, अच्छी इंप्रेशन भी होगी या कि नहीं, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा खराब है यार। रास्ता अपने दोस्तों को रास्ता भी दिखा देता हूँ, लेकिन मैं तो इस पर चल भी नहीं सकता। हाँ ये रास्ता देखो यार, वाह वाह वाह, वही तखन वाला मरेगा। अच्छा दोस्तों हमारे पास जो एक दोस्त था इस्माइल खान, वो बॉटनिस्ट है, और यहाँ पर जो ये पौधे ये कहते हैं ना, तो हम उसको इनके बारे में पूछेंगे, उसके बोटेनिकल नेम के बारे में उनको पूछेंगे, जो साइंटिफिक नेम होते हैं, और वहाँ पर लोग काम भी कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा दोस्तों हमने तकरीबन 10 मिनट का रास्ता कवर कर लिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुत्ता मौजूद है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। मुश्ताक मेरे ख्याल से आप भी बहुत डर गए ना, डर गए कि नहीं? हाँ ये वफादार था, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जंग।
अच्छा दोस्तों, बेसिकली हमारा आज का जो प्लान था वो मलमजब्बा का था। तो मौसम भी बहुत ख़राब था बारिश की वजह से। हमने वो उस जगह का जो लॉग का प्लान किया था तो हमने कैंसिल कर दिया। तो हमने अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने इनविटेशन दी कि यार क्यों ना यहाँ पर आकर एक व्लॉग बनाओ। यहाँ पर स्टूपा मौजूद है और ये इलाका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल मलमजब्बा की तरह है। आप ख़ुद भी देख सकते हैं यहाँ के जो ट्रीज है और यहाँ का जो रास्ता है, ये फॉरेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपको नज़र आ रहा होगा। और क्या आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट। लेकिन मौसम की वजह से हमारा जो प्लान था वो कैंसिल हो गया था, तो ये जगह भी मलमजब्बा से कम नहीं। अच्छा शहजाद, बताओ ना, हमारे पास तो आज बॉटनिस्ट भी मौजूद है, इस्माइल खान। इस्माइल खान, क्यों ना अपने दोस्तों को इस प्लांट्स के बोटे निकलने में बताए। हाँ हाँ, आपने हमें इनविटेशन दी, हमें बहुत अच्छा लगा यार। तो वैसे मैं सोच ले कि आप विलाग के बहुत ज़्यादा शौकी है, इसलिए ये अच्छा होगा। हाँ, हमने तो प्लान किया था मलमजब्बा जाने का, तो मौसम की वजह से हमने तो कैंसिल किया। लेकिन ये जगह भी मलमजब्बा से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शहजाद, खूबसूरत है कि नहीं यार? खूबसूरत तो है यार। अच्छा, आप ये ट्री भी देख सकते हैं। हाँ, पुश्तो का जो लोकल नेम है उसका क्या है? किकर। तो इस्माइल, बोटेनिकल नेम इसका क्या है? यार आप तो बॉटनिस्ट है यार, प्लीज। मैं तो जो है बस नाम के बॉटनिस्ट हूं ना। नहीं नहीं, आप तो बॉटनिस्ट है। अगर बेसिकली जस्ट इमेजिन करें, अगर आप इंटरव्यू के लिए चले जाए तो आपसे पूछे कि ये कौन सा प्लांट है, तो आप क्या बताएंगे उनको? बस मैं ये कहूंगा कि ये किकर है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? यार मैं तो बॉटनिस्ट नहीं हूँ ना। आप जूलॉजिस्ट है? हाँ, मैं जूलॉजिस्ट हूँ। अगर आप जूलॉजी का नाम, उसका नाम पूछना चाहते हैं तो मैं जूलॉजी में बता दूंगा कि इसका नाम क्या है। शहजाद, आपको बॉट नहीं आती है क्या? है इसका यार, आप तो पैथोलॉजिस्ट है। मैं पैथोलॉजिस्ट नहीं, मैं एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक? अच्छा, मैंने सोचा कि आप पैथोलॉजिस्ट है यार। और मुस्ताफ, हाँ ये हमारा एवरेस्ट नहीं है, मजाक मत करो, ये बैंक में नौकरी करता है अभी, बैंक में। इसकी बात नहीं है, मैं टेररिस्ट। टेररिस्ट बात और निकल जाएगी यार। यार देखो क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ, अजीब दोस्त है मेरे। हाँ, ये तो आपके साथ बहुत ज्यादा मजाक करता है, लेकिन आपको पता है, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ये बैंक में नौकरी करता है। मैंने तो सच बताया था ना कि अभी बैंक में काम करता है, लेकिन हम बहुत खुश है कि ये हमारे साथ रहता है। और उसने अपने जो मैनेजर है उनसे बात की कि मैं फ्राइडे के दिन नहीं आऊँगा, अपने के दोस्तों के साथ जाऊँगा। इस्माइल, मजाक बहुत हो गया, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस प्लांट ऑफ बोटेनिकल। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ दिस प्लांट? अच्छा, असल मसला ये है कि इस किस्म के जो है, इसके रिलेटेड बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी हैं। एक को कहा जाता है रूबीनिया सिल्विकेशिया। ग्रेट। तो मेरे ख्याल में वो नाम इसका हो। अच्छा, असल मसला ये है कि पहले किसी स्टोर में हमने जो है टैक्सोनॉमी पढ़ा था, फिर हमने छुट्टी करवाई। हाँ, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी, हम बहुत ज़्यादा नेम्स भूल चुके थे। मैं खुद भी बॉटनिस्ट हूँ, लेकिन क्या करें, एतराब कर लिया ना। हाँ, मैंने एतराब कर लिया है अभी। अच्छा दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलती है स्टूपा की तरफ। ओके ओके, किसके बारे में? हाँ, ये जगह भी बहुत ज्यादा अच्छा है यार, पुरानी बनी हुई है, वो भी पत्थरों से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, इसकी सिनेमेटिक शॉट लेता हूँ।
अच्छा तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। ये पीछे जो दिख रहा है ना, ये हम जिस तोहफा की जिक्र कर रहे थे ना, तो ये वो तोहफा है। मैं कुछ नहीं कह सकता शहजाद इसके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से इस्माइल इस तोहफा के बारे में पता है, क्योंकि हमको इस्माइल ने बुलाया था कि यहाँ पर हमको कुछ पता नहीं है इस तोहफा के बारे में। हाँ, लेकिन इस्माइल को पता है। अच्छा इस्माइल, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दिस। अच्छा दोस्तों, तो ये वो स्तूपा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और ये पाकिस्तान और बिलखसूस स्वात के दूसरे स्तूपास और मोनेस्ट्री की तरह ये बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन की एक निशानी है जो हज़ारों साल पहले बनाई गई थी, और आप भी स्वात के मुख्तलिफ मकाम पर ही मौजूद हैं। तो ये उन स्तूपास में से एक स्तूपा है, और इस मुकाम का नाम है जरजूर। इसके सामने डंगराम है, जिस साइड से हम आए इसके अटैच जो एरिया है उसे चेल के नाम से याद किया जाता है, जो ख़ास तौर पर चेल पुकारी के नाम से। बस मैं यही कहूँगा इस बारे में। और कितना साल पुराना है ये? तकरीबन 2000 साल के लगभग बन गया यार। ये 2000 साल जो है ना, ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ये बात तो अजीब सा है, लेकिन आप देख सकते हैं बात बहुत ज्यादा पुराना है। बता रहे हैं कौन साल, बात तो अजीब है, लेकिन बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन जो है। ये भी मेरी तरह सवाल कर रहे हैं इस्माइल खान, ये कह रहे हैं कि ये तो 2021 है, और आप कह रहे हैं कि ये 2000 और कितना 2000 या 2300 तकरीबन इसके दरमियान जो ये बना हुआ है, लेकिन आप उसको बताएं, एक्सप्लेन करें। मेरे ख्याल से हमारे दोस्तों को भी ये सवाल जहन में आया होगा कि ये कैसा मुमकिन है यार कि ये तो 2021 चल रहा है और ये कह रहा है कि ये 2300 साल पुराना है। 2300 साल पुराना है ये 2021 का सच है। 2300 से पहले दुनिया थी नहीं। ये 2000 हम जो कहते हैं ना, ये ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश के बाद से हिसाब किया जाता है। दूसरा कैलकुलेशन इससे पहले जो था वो 20 था, बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से पहले। आमतौर हम जो तज़किरा करते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बुद्धिस्ट के तारीख के बारे में, तो हम कहते हैं कि 200 BC में, यानी 2000 ये जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है इसके स्टार्ट होने से 200 साल पहले। अच्छा अच्छा दोस्तों, तो आपको हमने स्तूपा दिखा दिया, और इसके अलावा आपको सिनेमेटिक शॉट भी दिखाएंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर कंडरात भी मौजूद है, जो पुराने कंडरात थे उस इलाके के, उस ज़माने के जो लोग थे इसमें रहते थे ना, तो उसके कंडरात अब भी मौजूद है। तो बनाए हुए सारे दिखाएंगे। हाँ सारे दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले तो हम दिखाएंगे मुश्ताक स्तूपा उनको। तो चलते हैं किस साइड की तरफ? तो चलते हैं कंडरात की तरफ। नहीं यार पहले, नहीं नहीं, थोड़ा सा पानी वानी पी लेंगे। मेरा जो गला है ना वो बहुत सूख रहा है। हाँ रास्ते में पानी भी पी लेंगे, लेकिन तो अपने दोस्तों को पहले सिनेमेटिक शॉट्स दिखा देना यार। अच्छा दिखाऊंगा। हाँ तो चलते हैं, आपको सिनेमेटिक शॉट्स दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच गए कंडरात, जिस कंडरात की बारे में हमने जिक्र किया था कि हम जा रहे हैं कंडरात के साइड। तो हम आपको सिनेमेटिक शॉट्स भी दिखाएंगे, लेकिन अभी तक हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हम रेस्ट करना चाहते हैं, और मेरे साथ जो दोस्त हैं शहजाद और इस्माइल खान,
और मुस्ताफ तो मेरे ख्याल से वो तो आपको पता है ना कि वो मरने वाले थे कि उसको टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा दोस्तों तो क्या बेइज्जती हो रही है? नहीं यार, आपकी बेइज्जती कैसे हम कर सकते हैं यार, आप तो हमारे स्टार है। तो किस चीज का स्टार यार, ये तो उनसे पूछ लगा कि किस चीज का स्टार है। इस्माइल खान बताओ ना कि आपको तो इस जगह की हिस्ट्री थोड़ा सा पता है, लेकिन अपने जो हमारे दोस्त हैं ना, जो व्यूअर्स हैं, हम आपको उसको बताएंगे कि ये जगह कैसा है। ये तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है और आप देख सकते हैं ये गंडराज का जिक्र हमने किया था कि हम उधर जा रहे हैं, तो बस हमें आप जा चुकी है और अल्लाह साहब आपको भी कुछ व्यूज भी पेश करेंगे इन गंडराज के बारे में। हाँ, हम आपको सिनेमेटिक शॉट्स ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन पहले हमने सोचा था कि आपको थोड़ा सा बात भी करें। कैसे बात करें शहजाद, किधर है? मुँह से? अच्छा, तो मुँह से भी आपने बात करें। ऐसे बात तो अच्छी नहीं लगती कि हम बार बार आपको सिनेमेटिक शॉट्स दिखाते रहें, कुछ मुँह से बातें भी अच्छी लगती है। तो चलते हैं आपको सिनेमेटिक शॉट्स दिखाते हैं। Hey guys, finally हमने वापसी कर लिया है और हमने तकरीबन 40 मिनट हाइकिंग किया। बिल्कुल 40 मिनट का हाइकिंग किया। अच्छा, तो अब हमने वापसी कर लिया है, तो ये था हमारा ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह हमारे ब्लॉग देखते रहिए और अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। और बस कुछ नहीं यार, नहीं हाँ। और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको खुद ब खुद ऑन करेंगे यार। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़।